नमः शिवाय। सभी पूज्य संत जनों को मेरा प्रणाम, मेरा आदर, और सभी भारतीय, सभी सनातनी, सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज पहली बार इस धाम में आने का मुझे अवसर मिल रहा है, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये मेरे हिसाब से अवतार हैं, और हमने सुना था कि बाल अवतार क्या होते हैं, देख लिया हमने कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो लोगों को जोड़ा है, जो सेवा की है, और अपने बड़ों का सम्मान किया है, और जिस तरीके से वो सनातन धर्म की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका आदर और सम्मान है। सच दिल से, हृदय से आपको मैं कहता हूँ, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं चेष्टा करूँगा, क्योंकि यहाँ हमारी कोई आपस में तैयारी नहीं हुई है, फिर भी जो होगा मैं करूँगा। और आपसे ये भी कहता हूँ कि अगली बार फिर से आऊँगा और लंबा कार्यक्रम करूँगा, ये मेरा आपसे वचन है। ये सिर्फ ऐसी थोड़ा सा एक धुनी टाइप है, बाद में ही शिव शिव महादेवा, पार्वती पति शिव शिव महादेवा। स्वर हर शंकर बिना कपाणी, हे त्रिपुरारी त्रिभुवन स्वामी। कैलाशवासी अजर विनाशी, पार्वती पति शिव शिव महादेव। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।
सबके दल बजेंगे। नमो शिवाय, 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 namo shivaya, namo shivaya, namo shivaya, oh namo shivaya, namo shivaya, namo shivaya। bam bam bole। ये एक बहुत ही सुंदर भजन मैं ज़िंदगी में, जीवन में पहली बार इसे गा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने महान आत्माएं और संत यहाँ पे मौजूद हैं। ये ऐसा भजन है जो एक बच्चा गा रहा है कि मैं भोले के मंदिर में क्यों जा रहा हूँ। ये आप सभी के लिए समर्पित है, बच्चा गा रहा है। सोचिए, बड़ी फुर्सत से भोले हम तेरे मंदिर में आए हैं, बड़ी फुर्सत से भोले हम तेरे मंदिर में आए हैं, के आते तेर हो जाएगी घर में भोल आए तक तक दिन आधा हो जाएगी घर में भोल आए हैं, बड़ी फुर्सत से भोले हम तेरे मंदिर में आए हैं, बड़ी फुर्सत से भोले हम तेरे मंदिर में आए हैं, के आते देर हो जाएगी घर में भोल आए हैं, के आते देर हो जाएगी घर में भोल आए हैं। हमें जब माँ ने ये पूछा कहाँ बेटा नहाओगे, इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सबसे आवश्यक है। हमें जब माँ ने ये पूछा कहाँ बेटा नहा
जटा से गंगा बहती है वही हम भी नहानेंगे, जटा से गंगा बहती है हम भी नहानेंगे। हमें जब माँ ने ये पूछा कहाँ तुम खाना खाओगे, हमें जब माँ ने ये पूछा कहाँ तुम खाना खाओगे, जो पालनहार जग के हैं हमें भी कुछ खिला देंगे, जो पालनहार जग के हैं हमें भी कुछ खिला देंगे। बड़ी फुर्सत से भोले हम तेरे मंदिर में आए हैं, के आते देर हो जाएगी घर में बोल आए हैं, के आते देर हो जाएगी घर में बोल आए हैं। हमें जब माँ ने ये पूछा कहाँ आराम पाओगे, हमें जब माँ ने ये पूछा तो उसका क्या जवाब क्या होगा, माँ ने पूछा हमें जब माँ ने ये पूछा कहाँ आराम पाओगे, तो हमने क्या बोला, है भोले की शरण ठंडी वही हम लेट जाएंगे, है भोले की शरण ठंडी वही हम लेट जाएंगे। बड़ी फुर्सत से भोले हम तेरे मंदिर में आए हैं, कि आते देर हो जाएगी घर में भोल आए, कि आते घर में बोल आए हैं, कि आते देर हो जाएगी घर में बोल आए। ओम नमः शिवाय। एक और कर दो तो मैं वो गाता हूं जहां आपने मुझे पहली बार सुना था, राम मंदिर के जब पहली बार पहली आवाज़ जब गूंजी थी वो मेरी आवाज़ गूंजी थी, तो जिससे जो गूंजी थी आवाज़ वही भजन प्रस्तुत करता हूँ मैं आपके बीच में। काली एक आ
Ram, Sia Ram, Sia Ram,
राम जय राम सिया राम जय जय राम मन में तन में जल जीवन में बसे आप सभी भी अपने स्थान पर करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाओं को इन बेटियों तक पहुंचाएं। आज भी एक नया जीवन बालाजी के इस आंगन से प्रारंभ करने जा रही हैं। आप सभी वरवधु अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, कुछ क्षणों के लिए विराजमान हो जाएं। हम पूज्य संतों के आशीर्वचन के बाद दूसरे दल को यहां बुलाएंगे। आप सभी इस महोत्सव के सहभागी बन रहे हैं, जो महोत्सव पूरे भारत को एक नया संदेश देने वाला है। भुज महाराज जी, देश की सुरीली आवाज सोनू निगम जी का अभिनंदन कर उन्हें विदा कर रहे हैं। वे भी आज इस आयोजन में सम्मिलित हुए। अपनी राग सेवा के माध्यम से उन्होंने बालाजी के आंगन में अपनी हाजिरी तो लगाई ही, साथ ही बेटियों को भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनकी प्रस्तुति के माध्यम से शुभकामनाएं प्राप्त हुई। हमें आशा है वे निरंतर बालाजी के इस दरबार में आते रहेंगे।
क्योंकि ये दरबार पूरे देश के उन परिवारों के लिए शक्ति का केंद्र बना है जो परिवार असहाय हैं।